मुझे देख के बहुत दुख हुआ जो भी हो रहा है। ऑल्दो ऐसे ऊपर नीचे लाइफ हो रही है, परेशान हो गई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या हुआ क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आप, पता है जब आप रिकॉर्ड करते हो तो, इसलिए मैंने दूसरे इंटरव्यूज के लिए गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आई एम श्योर कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि नेक्स्ट क्या, इंटरव्यू देने के बाद क्या हुआ, या स्टिल मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, या कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो वही मैं बताऊँगी इस वीडियो में। पर मैं अभी YouTube की एनालिटिक्स देख रही थी और मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि आप लोग बिना सब्सक्राइब करे या बिना लाइक करे चले जाते हो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं इंटरव्यू और जॉब तो सर्च करूँ ही करूँ, साथ में मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो आपको बता पाऊँ और वो आपको हेल्प करे अगर आप आने वाले हो तो, या रह रहे हो यहाँ पर। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाया करो और लाइक करके जाया करो वीडियो को, और अगर कोई रेलेवेंट लोग हैं उनको शेयर करा करो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो आपको घर दिख रहा है, तो हाँ हम लोग मेटजिंगन आ गए हैं, और दीपक का कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम था तो घर पे हम लोग आ गए, क्योंकि म्यूनिक जो है सिर्फ 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे की ड्राइव है, और घर पे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, स्क्रीन है यहाँ पर तो वर्क अच्छे से हो जाता है, तो इसलिए हम म्यूनिक से यहाँ पर आ गए हैं मेटजिंगन। और दीपक काम कर रहा है तो दोपहर हो गई है, तो मैंने सोचा पहले चाय बनाती हूँ, तो चाय बनाते हैं पहले और उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई क्या हुआ। जब तक आप गेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो जब तक चाय बन रही है मैं आपको बता देती हूँ चाय बनने से पहले। तो यहाँ क्या होता है ना कि जब भी आप जॉब छोड़ते हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है बुंडस एजेंटूर फॉर अर्बाइट पर, और वो मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी मैंने रजिस्टर करवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ टाइम तक टैक्स पे करते हो तो वो आपको एक तो हेल्प ही करते हैं, पर मंथ कुछ सैलरी देते हैं, वो गवर्नमेंट सैलरी देती है, एंड पूरा नहीं पता, जस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता उतनी बता देती हूँ, और दूसरी बात जॉब सर्च करने में भी आपको हेल्प करते हैं। तो मैंने रजिस्टर किया था, उसके बाद मुझे ये लेटर आया है जिसकी अपॉइंटमेंट है मेरे को नेक्स्ट वीक में, और वहाँ पर देखते हैं क्या बात होती है, वो मैं आपको बताऊँगी। बेसिकली वो सिचुएशन जानना चाहते हैं कि क्या है सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक मिनट चाय शायद। तो अगर जैसे आपको जॉब नहीं भी मिलता तो भी गवर्नमेंट हेल्प करती है, मुझे नहीं पता भाई अभी तो ये फर्स्ट मंथ है जॉबलेस का, तो करती है या नहीं वो तो जब भी पता चलेगा जब मैं उनसे मिलने जाऊंगी और वो मुझे बताएंगे वो क्या करते हैं। पर हाँ, जॉब ढूंढने में हेल्प ज़रूर करते हैं यहाँ का जो गवर्नमेंट है, जिसे बुंजेस एजेंटूर फॉर अर्बाइट बोलते हैं, तो वो हेल्प ज़रूर करता है। तो जॉब सिचुएशन, तो इंटरव्यू कॉल्स हो गए हैं, काफ़ी सारे हो गए हैं, होते जा रहे हैं, और कुछ जगह से पॉजिटिव भी है, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट राउंड पर हूँ मैं। यहाँ पर प्रोसेस थोड़ी धीमी है, तो सबसे पहले आपका एचआर कॉल होता है, सेकंड आपका टेक्निकल राउंड होता है, फिर टीम के साथ आपका डिस्कशन होता है, हो सकता है आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर हेड जो हैं उनके साथ भी एक इंटरव्यू हो, कुछ आपको डेटा प्रेजेंट करना होता है। तो ऐसे 4-5 राउंड्स होते हैं यहाँ पर इंटरव्यू में, एटलीस्ट जिस प्रोफाइल्स पर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ उसके लिए तो होते हैं इतने सारे राउंड्स। तो इस वजह से क्या होता है ना, हर एक वीक में एक इंटरव्यू राउंड होता है, फिर दूसरा राउंड होता है, इन बिटवीन दूसरों का फर्स्ट राउंड होता है या सेकंड राउंड होता है। तो अभी तक कोई एज सच क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बट पॉजिटिव लग रहा है थोड़ा। मैंने दूसरे एरियाज़ में भी देखना चालू कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे डर लगने लगा है कि वॉट नेक्स्ट, मतलब ऐसा ना हो कि आई हैव टू बी नॉट डूइंग एनी थिंग, मतलब यूट्यूब तो है पर स्टिल एक, मतलब आई वॉन्टेड टू डू द जॉब एज वेल, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, पर स्टिल मुझे पॉजिटिव लग रहा है जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, तो वो फील हो रहा है। इसके बाद कल मैं जाऊँगी बुंडस एजेंटूर फॉर अर्बाइट यहाँ की एजेंसी पे, उनसे बात करूँगी, उन्हें बताऊँगी कि मैं किस स्ट्रीम में किस प्रोफाइल पे जॉब करना चाहती हूँ, हो सकता है वो लोग मुझे हेल्प करें,
आई डोंट नो, उनका जब मेरे पास मतलब उनके साथ डिस्कशन हो जाएगा 1-to-1 तो मैं आपको बताऊंगी. उनके साथ डिस्कशन जो होता है वो जर्मन में होता है, तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप इंग्लिश में वो लोग बात नहीं करेंगे, वो जर्मन में ही बात करेंगे. तो मुझे थोड़ा प्रिपेयर होके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उन्हें सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वाई, किस लिए, क्यों, कब से ढूंढना है, क्या चल रहा है अभी. तो वो भी मैं प्रिपेयर करूँगी आज, ताकि मैं उसे जर्मन में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ. और इसके अलावा बहुत सारे पेपर वर्क्स जो हैं वो भी करने पड़ते हैं यहाँ पर, तो वो भी प्रोसेस में है. बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, एंड साथ ही साथ ट्रैवल. तो हर वीक में म्यूनिक जाना एंड देन वापस आना, और वहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी नहीं है अपार्टमेंट होटल में रहने की. तो यस, स्टिल मीटिंग में है. मेरे को लगा कि शायद चाय तो हम लोग साथ पियेंगे, पर वो स्टिल मीटिंग में. नो चांस, नो चांस. मैं बाहर बैठ के पीती हूँ. ओके, तो मतलब मैं पढ़ रही थी, जर्मन में लेटर आया है और बस ये लिखा है कि भाई आप आ जाओ, आपकी एक्चुअल जो सिचुएशन है वो बता दो, देखते हैं क्या होता है. आई डोंट नो, क्योंकि ये लोग हेल्प तो करते हैं, पर हमको क्योंकि प्रोसेस पता है, हमें पता है जॉब कहाँ से अप्लाई करना है, इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. पर इनका कुछ तो कोलैब होता है कंपनीज़ के साथ, तो ये ईज़िली जो है वो कंपनीज़ में आपको घुसा देते हैं. पर अब ये नहीं पता किस प्रोफाइल्स के लिए, किस तरीके की चीज़ों के लिए, तो मैं इन पे तो निर्भर नहीं रह रही हूँ. मैं अपना जो प्रोसेस है वो कर रही हूँ. पर हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगी. और क्या चल रहा है, तो बस मुझे लगता है नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में कुछ तो श्योरिटी आएगी. पर फिर भी मैं वेट करूँगी, सारा जितना भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनका भी जो भी डिसीज़न है उसका वेट करूँ. और अगर आप लोग जानना चाहते हो हर एक चीज़ के बारे में, मतलब कौन से इंटरव्यूज़ दिए, कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, तो भी ज़रूर कमेंट करना. आई विल ट्राई कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने इंटरव्यू के बारे में भी दे पाऊँ. ऑल्दो मैंने एक तो कर लिया था रिकॉर्ड, पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है जब आप रिकॉर्ड करते हो, तो इसलिए मैंने दूसरे इंटरव्यूज़ के लिए जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड नहीं करे. और यही सोचा था कि मैं आप लोगों को जब अपडेट दूंगी तो मैं बता दूंगी. और आज जब से हम लोग मेटजिंगन में आए, कल रात में आ गए थे, तब से बहुत गंदा घर हो रहा था, धूल हो रही थी, तो डस्टिंग करके, सफाई करके, अभी थोड़ा क्लीन दिख रहा होगा आपको, फिर भी बहुत क्लीन नहीं है, पर थोड़ा सा साफ़ सफाई करी यहाँ पर आकर. अब ये घर भी बहुत ही कम टाइम के लिए रहा है. हाँ, एक और चीज़, हम लोगों ने घर भी देखे म्यूनिक में, तो उसके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वो जब जैसे ही स्टार्ट करूँगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी. वो उन लोगों को हेल्प करेगा जो एरियाज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं म्यूनिक में, क्योंकि म्यूनिक बहुत बड़ा है, बहुत सारे एरियाज़ हैं रहने के लिए. तो अभी हम लोग ही समझ रहे हैं, जैसे हम भी समझ जाएंगे तो हम आप लोगों को भी बता देंगे. और मेटजिंगन आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एक सिटी हूहा, हर जगह जाने में टाइम लगता है, बहुत ट्रैफिक होता है, और मेटजिंगन एकदम शांत है, तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पर. और मेरी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शॉपिंग करनी है, क्योंकि जब मैं एक्चुअली मैं वहाँ पर गई और मॉल्स के प्राइजेस देखे, और सेम चीज़ यहाँ पर जो है वो बहुत सस्ती मिलती, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 कुछ कुछ 50% डिस्काउंट मिलता है, तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा बेटर है देन वहाँ पर जाके वहाँ से शॉपिंग करना. तो इसलिए मैंने तो एक लिस्ट भी बना ली है,
और इसके अलावा मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिख के रखे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जैसे ही ये सब ख़त्म होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए टॉपिक लिख रही थी। उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है, लाइक ट्रैवल, इंफॉर्मेटिव, या किस तरीके के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर कमेंट करना ताकि मुझे थोड़ा इजी हो नेक्स्ट मंथ प्लान करने के लिए, आगे के कुछ मंथ्स प्लान करने के लिए। ऑल्दो जो लाइफ में चल रहा है वो तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, बट मतलब बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन या ट्रैवल वीडियोस भी लाती रहूँगी, पर डिपेंड ऑन कि आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से। और व्लॉगिंग चैनल जो है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी, क्योंकि जब उसमें सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होंगे तो मुझे उसको एडिट करने में और वीडियोस डालने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो जस्ट वन रिक्वेस्ट आप वो कर लो, बाकी कुछ नहीं, जो आप साथ देते हो वो देते रहो, बड़ा मज़ा आ रहा है जो भी हो रहा है। ऑल्दो ऐसे ऊपर नीचे लाइफ हो रही है पर बड़ा मज़ा आ रहा है, और होपफुली सब कुछ जो है वो सेटल हो जाए। जर्मनी बहुत डिफ़िकल्ट है और ये बात तो मैं बिल्कुल मान गई हूँ, इट्स नॉट ईजी, वेरी डिफ़िकल्ट। पेपर वर्क के कारण मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हर चीज़ के लिए आपको पेपर्स पेपर्स पर। ठीक है, एक नई दुनिया है तो एक नए रूल्स हैं, एक नई प्रोसेसेस हैं, वो समझ रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको मैंने अपडेट दे दिया, आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना, और अगर आपको और अपडेट चाहिए तो मुझे बताते रहना, तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट लेते मतलब देती रहूँगी। एंड आप क्या करोगे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक लिटिल अपडेट दे देती हूँ, और उसके बाद जो अच्छी वाली खुशखबरी अगर होगी तो वह नेक्स्ट वीडियो में होगी, मतलब जो भी होगा, इट्स अगर बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ जो भी होगी मैं आपको पक्का नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो बता दूंगी, होपफुली अगर मेरे पास कुछ आंसर आ जाता है तो। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपको किस तरीके के वीडियोज़ जो हैं वो देखना पसंद है, और आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। एंड आप डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।